ये मेरा बिस्तर है जहाँ पे मैं सोता हूँ और ये यहाँ पर बाकी जो लड़के हैं वो बाकी सब सोते हैं हेलो एवरी वन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो हाज़र हुआ एक नए बिलग के साथ आज के बिलॉग में मैं आपको अपने घर का रिव्यू करवाऊँगा मेरा घर तो वैसे बेसिकली पार्क पर में है सो so, जो हमें यहाँ पे जो लड़के हम काम करते हैं वो मालिक ने हमें दिया हुआ है आज मैं वहाँ पे आपको उसका रिव्यू करवाऊँगा तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा और अगर इस वीडियो में कोई कमी पेशी या किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही तो आपने जैसे पहले कमेंट्स में बताया कि आवाज़ नहीं आ रही तो इस वीडियो में मैं मैंने माइक लगाया हुआ है तो इन आपको आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आएगी तो काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज व्लाग बनाते हैं मैं मैं इस वक्त लाहौर के इलाका इछरा में खड़ा हूँ और जहाँ पे मैं काम करता हूँ जहाँ पे हमें हमें अपने मालिक ने वह मैं घर लेके दिया हुआ है उसका मैं आज आपको विजिट कराऊँगा तो जब मैं गाँव जाऊँगा तो गाँव में, में मेरा घर है वहाँ पर भी आपको इन ज़रूर विज़िट तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर आप देख सकते छत पर काफ़ी सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पे अगर आप आपको मैं नीचे का व्यू करवाऊँ तो ये नीचे मैं चौथी मंजिल पर इस वक्त खड़ा हुआ और ये नीचे का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है सो so, आज मौसम भी बहुत प्यारा था तो मैंने कहा चलो क्यों ना विनोद रिकॉर्ड किया जाए तो so, सबसे पहले मैं आपको अपने कमरे का रिव्यू करवाता हूँ जहाँ पे हम सोते हैं ये छत का दरवाज़ा और ये मैं नीचे जाने लगा ठीक है और ये जो कपड़ा है ये हमारा गौरा जनप सब लड़के सोते हैं और ये ये मेरा बिस्तर है जहाँ पर मैं सोता हूँ और ये यहाँ पर बाकी जो लड़के हैं वो बाकी सब सोते हैं और एक चार पाई इधर पड़ी हुई तो मालिक ने हमें ले के दिया यहाँ पर रहने के लिए तो हम सभी लड़के हम यहाँ पे रहते हैं तो ये बिस्तर मेरा है इस पर मैं सोता हूँ और बाकी कमरे हैं जो उसका भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ ये हमारे ये दूसरा कमरा इसमें छोटा सा किचन किचन है, है जहाँ पर हम अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और इसके साथ एक और कमरा है जहाँ पे लड़कों ने अपना सामान कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और छोटी मोटी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं स्टोर जैसे होता है वैसे और और जो तीसरा कमरा है वो यहाँ पे इधर जो हम छोटा मोटा काम करते हैं यहाँ पे कीमे वाली मशीन पड़ी है जहाँ पे हम कीमा वग़ैरह निकालते हैं और जो बाकी सामान है यहाँ से मैं आपको नीचे का रिव्यू करवाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी मंगो यहाँ पर रिव्यू भी आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि अच्छा कर लेके दिया और अब मैं दोबारा वापस छत पर चलता हूँ क्योंकि नीचे इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो बाकी जो आते हैं फिर वो ओपो जया करते दोबारा में वापस आ चुका हूँ और छत पे जो आज नज़ारा है ना बहुत ही अमेजिंग किस्म का बना हुआ है और यहाँ पे इस वक्त जो मौसम की सूर्त हाल है वो ऊपर आप देख सकते हैं तो मेरी आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें शेयर करें उन लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे ब्लॉग्स को भी थोड़ा सा वायरल करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़ जा सकें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाते हैं वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ता जाता है तो उम्मीद है कि आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में